आज मेरे साथ जो मौजूद है आप देख रहे हैं इंडोनेशियन भाई जो कि पाकिस्तान में आए हुए हैं तबलीग के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में आए हुए हैं। मैंने इनको ज्वाइन किया है मस्जिद में, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मिल के पता लगता है जब डिस्कस करता है बंदा उनके साथ। तो अभी मैं आपके साथ भी इनकी डिस्कशन शेयर करता हूँ। तो पहले तो ये अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सैफुल हुदा, मोहम्मद सैफुल हुदा। सैफुल हुदा। ओके आपका जी। नाम? अमीनुद्दीन अमीन, अमीनुद्दीन अमीन, माशाल्लाह। माशाल्लाह। कहाँ से? इसके अंदर बड़ा बताने वाला कि ये उर्दू नहीं समझते ना इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी उर्दू, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश है, थोड़ी थोड़ी उर्दू है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश है, थोड़ी थोड़ी उर्दू। अच्छा, वेयर फ्रॉम यू? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एंड यू आल्सो फ्रॉम इंडोनेशिया? यस जी। एक ही गांव से, एक ही विलेज से, एक ही सिटी से, एक एक सिटी से, एक ही शहर से? एक दो तीन एक मैं क्या बोल रहा हूँ कोई समझ नहीं आ रहा। एक दो तीन आपका घर, आपका घर, आपका घर क्या पास पास है या दूर दूर है? या पास पास है, नजदीक है, करीब करीब है? करीब 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 करीब। अच्छा, मतलब ये कह रही है कि हमारा घर आपस में करीब करीब है। इन इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, ना ही इतनी ज़्यादा उर्दू समझ आती। आपका शादी हुआ होगा? बीवी है? बीबी 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 को बीबी बोलता है। बीबी आप कभी हुआ हुआ? बीबी बीबी। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 48। यस माशाल्लाह। देखिए 48 है, मतलब 48 साल। आपका 38, 38 साल। 38 साल। हमारे जैसे अगर 48 के हो जाए ना, चार पाई पे लंबे पड़े होते हैं, चल ही नहीं सकते। माशाल्लाह, यंग है, यंग, फुल यंग है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, मजबूत 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 है, मजबूत या माशाल्लाह। मजबूत आम, देखिए उर्दू समझ गए। आम इसको क्या कहते हैं? आम। पसंद है? मांगा पसंद है ना? फेवरेट? यस। योर फेवरेट फेवरेट फ्रूट? फ्रूट। और ये ट्रीट? मांगा। यस। अच्छा, पाकिस्तान कैसा लगा? ओक्स वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल मैन, खूबसूरत खूबसूरत है, माशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत लगा कहते। आपको कैसे लगा? एंड मैन ऑन इन पाकिस्तान, मजबूत मजबूत कहते हैं वो। पाकिस्तान में जो मैन है बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, लेकिन हम कहते हैं कि इंडोनेशियन ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडोनेशियन ज़्यादा मजबूत है, हम कम मजबूत है। हम खाते हैं घी ऑयल, ये घी ऑयल नहीं खाते कि इनके इनके साथ मैंने खाना खाया। ये घी वाला बिरयानी भी नहीं खाते, घी वाला खाना खाते ही नहीं है ये। अपना इनकी फेवरेट कौन सा डिश है? आपका फेवरेट डिश, पसंदीदा खाना आपका कौन सा है? पसंदीदा ऑल ऑल इन पाकिस्तान आई लाइक। आपका जो इंडोनेशिया का पसंदीदा खाना? इंडोनेशिया। हाँ इंडोनेशिया, नासी पचल, नासी रावण, नासी लोटे, बासो। ये इनका नाम पाकिस्तान उर्दू में नाम क्या? इनका उर्दू में नाम क्या? उर्दू में नाम है कि उबले हुए चावल, राइस, चावल उबले हुए, और जो है यखनी बना के, बिरयानी, बिरयानी, या फिर जो है ना सारी सब्जियां ना मिला के ना वो उसके अंदर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं वो, की है वो होता है तेल, पता नहीं उसका किस चीज़ का तो नाम लेते हैं ये, उसके अंदर बना के बिल्कुल घी कम खाते हैं, इस वजह से बीमार भी नहीं होते इतने ज़्यादा। तो माशाल्लाह, आज इधर आ जाए। अच्छा, तो पाकिस्तान आपको खूबसूरत लगा? पाकिस्तान कंट्री फेवरेट कंट्री और नॉट?
पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है। अभी तो जो है 10 दिन हो गए इन्हें पाकिस्तान में आए हुए, 10 दिन 10 डेज अच्छा 55 दिन के लिए पाकिस्तान में आया, 55 दिन के लिए 55 डेज के लिए है ना। सही है। तो और अपने बारे में और कुछ बताओ। आपको समझ आया मैंने क्या कहा है? कोई समझ नहीं आया, कोई समझ नहीं आया क्या कह रहे ना। बट आई एम सेइंग यू डोंट नो, आई डोंट नो, वाकई में बिल्कुल कहते कि भाई समझ नहीं आता, क्योंकि एक और भाई हैं वो सो गए हैं, वो जो है ना वो उन्हें फुल इंग्लिश आती है, अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, वो ट्रांसलेट भी करते हैं, या आपस में बोलते हैं वो क्या कह रहे हैं, बोलने के बाद फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो माशाल्लाह अच्छे क्लास के लोग हैं। कभी भी आपको मिलते हैं, आपके पास कहीं पे मस्जिद में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो आप ज़रूर मिले, बड़े अच्छे क्लास के मालिक हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, मैं मिला हूँ, बड़ी अच्छी गपशप हुई है इनके साथ। तो इंशाल्लाह इनके पास एक दो दिन मैं जो है रुकूँगा, इनके साथ अच्छी खुली गपशप होगी, तो बड़े अच्छा लगता है। देखिए इंडोनेशिया से पाकिस्तान आए हैं दीन की खातिर, तो इतने दूर से लोग पाकिस्तान में सीखने के लिए आए, और हम जो हैं हम मिलते भी नहीं हैं, बैठते भी नहीं हैं, तो इतनी दूर से मेहमान जो आते हैं उनके पास कम से कम बैठ जाएं तो इतना ही बहुत होता है, उसका सवाब होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कि लाइक करें, बोलो लाइक करें सब्सक्राइब करें, करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।